बड़ी इजी तरीके से गन्स वगैरह स्वैप कर रहा है, और यहाँ पे मैं आपको शूट भी करके दिखा देता हूँ। ये जूम भी कर रहा है बड़ी आसान तरीके से। तो अभी मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा यार। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान और आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो खास तौर पर मोबाइल में गेमिंग करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा गेम पैड्स की वीडियो बनाई है, पर वो जितने भी गेम पैड्स थे खास तौर पर पीसी और एंड्रॉयड टीवी के लिए डिज़ाइन किए हुए थे। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि उन गेम पैड्स को हम मोबाइल में गेमिंग करने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर। पर ये जो गेम पैड आप मेरे हाथ में देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में गेमिंग करने के लिए ही बनाया गया है। आप चाहे तो इस गेम पैड को टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, पर वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पर मोबाइल में ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से कनेक्ट हो जाता है। ये जो गेम पैड है एमकेट की तरफ से आ जाता है और इसका नाम है ईवो गेम पैड प्रो 4 इंस्टेंट प्ले। अगर मैं बॉक्स के इस तरफ आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे इस गेम पैड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, और इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंट प्ले किसे बोलते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। पबजी, पबजी लाइट, अभी तो पबजी रिप्लेस हो चुकी है BGMI से। तो BGMI, मिनी मिलिशिया, गरीना, फ्री फायर और मोबाइल लेजेंड्स, ये जो जितने भी गेम्स हैं आप इंस्टेंट प्ले कर सकते हो। अगर बॉक्स के इस तरफ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देख रहे हो जितने भी पॉपुलर गेम्स है वो सारे के सारे गेम्स जो है इस गेम पैड से हम खेल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर हमें दो एक्स्ट्रा बटन्स भी देखने को मिलता है, L3 एंड R3, ब्लूटूथ 4.0 देखने को मिलता है, सिक्योर स्मार्टफोन क्लैंप भी देखने को मिलता है, 12 आवर्स का नॉन स्टॉप प्ले टाइम भी मिलता है। यानी कि दोस्तों, इसको आप एक बार फुल चार्ज कर देते हो तो आप कंटिन्यूस 12 आवर्स तक गेमिंग कर सकते हो इस गेम पैड को यूज करके। ये जो चीज है काफी ज्यादा दमदार लगी मुझे इस गेम पैड की। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट के फटाफट से इस गेम पैड को मैं अनबॉक्स कर लेता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस गेम पैड को पूरी तरीके से किस तरह से यूज करना है, इस गेम पैड के मजे कैसे लेने हैं। तो इसे मैं निकाल लेता हूं बाहर। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें। ये है इसकी क्विक स्टार्ट गाइड। ये जो क्विक स्टार्ट गाइड है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप ये गेम पैड खरीदते हो तो इसको आप ज़रूर से पढ़ना ही चाहिए। इसके अंदर हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर 2 मोड्स मिलते हैं, पहला मोड जो है HID मोड, दूसरा मोड है इंस्टेंट प्ले मोड। तो ये HID मोड किस तरह से यूज़ करना है, इंस्टेंट प्ले मोड किस तरह से यूज़ करना है, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये गेम पैड की वीडियो देखकर। और गाइज, मैं आपको आज जो है काफ़ी बढ़िया बढ़िया गेम्स भी खेल के बताने वाला हूँ इस गेम पैड को यूज़ करके। तो इस गेम पैड को यूज़ करने के लिए हमें 2 ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो ऐप है शूटिंग प्लस V3 है। दूसरा ऐप जो है इस गेम पैड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, वो ऐप को भी किस तरह से इंस्टॉल करना है मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये जो क्विक स्टार्ट गाइड है आप देख रहे हो सारी चीज़ें इसके अंदर समझाई गई है, और यहाँ पे एक और यूज़र मैनुअल है इसका। तो यहाँ पे देख रहे हो गाइस यहाँ पे कौन से बटन को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डायग्राम में दी हुई है, और यहाँ पे हाउ टू माउंट योर स्मार्टफोन बोल के भी दिया हुआ है, यानी कि आपके स्मार्टफोन को इस गेम पैड के अंदर किस तरह से लगानी है सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। और वापस से वही चीज़ है 3 मोड्स टू प्ले, तीनों मोड्स को किस तरह से यूज़ करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देख रहे हो गाइस यहाँ पे इंस्टेंट प्ले मोड को किस तरह से यूज़ करना है, कौन से बटन्स प्रेस करने हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। और एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर HID मोड को किस तरह से यूज़ करना है और कौन से ऐप को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे QR कोड के साथ आपको सारी चीज़ें समझाई गई है। यहाँ पे एक और कार्ड हमें देखने को मिलता है। अगर आपको एक गेम पैड इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इन्हें आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हो या फिर WhatsApp भी कर सकते हो, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी मदद भी मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको हमारा गेम पैड की क्वालिटी कैसी है ये बता देता हूँ फटाफट से। तो ये देख रहे हो गाइस गेम पैड जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। तो जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हो आपको फील हो जाता है गाइस इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। आप इसका ग्रिप का जो एरिया है आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेक्सचर वाला डिज़ाइन भी दिया हुआ है।
ताकि हमें ये जो गेम पैड है काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से होल्ड कर सके। तो यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी देखने को मिलता है हमें, आप देख रहे हो गाइस इसकी आवाज़, वाह भाई इसे बोलते हैं जबरदस्त क्वालिटी। इसके अंदर जो है आप तकरीबन 7 इंच का मोबाइल भी लगा सकते हो, इतना बड़ा यहाँ पे मोबाइल होल्डर हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। तो ये है भाई इसके एनालॉग स्टिक्स, डुअल एनालॉग स्टिक्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, इसका डी पैड, यहाँ पे सेलेक्ट टर्बो मोड, होम बटन को आप प्रेस करते हो तो ये जो गेम पैड है ऑन भी हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टाइल का इंडिकेटर दिया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ पे स्टार्ट है, क्लियर बटन है, XY A B, और यहाँ पे 4 लाइट्स देखने को मिलता है, हर मोड के लिए अलग लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके शोल्डर बटन्स LB और RB, यहाँ पे 2 ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं LT और RT। सबसे स्पेशल बात इस गेम पैड की, पीछे की तरफ यहाँ पे देख रहे हो गाइस 2 स्पेशल बटन्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये है L3 और R3 बटन्स। ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, मैंने आज तक जितने भी गेम पैड्स की अनबॉक्सिंग की है इस गेम पैड के अंदर ये 2 बटन्स एक्स्ट्रा देखने को मिले हैं मुझे। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो चलो दोस्तों फटाफट से अभी मैं आपको ये गेम पैड को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ। चार्ज करने के लिए हमें एक माइक्रो USB केबल भी मिलता है। इस गेम पैड को मैंने फुल चार्ज कर लिया है, तो इस गेम पैड के अंदर मैं मेरा मोबाइल लगा देता हूँ। तो गाइस ये जो मेरा मोबाइल है थोड़ा सा मुझे साइड में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बीच में इसका पावर बटन है, तो अगर मैं इसे बीच में कर दूंगा तो मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा साइड में ही लगा रखा है। तो पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गाइस HID मोड। इसे यूज़ करने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, ये जो ऐप है ईवो गेम पैड 4 का ऑफिशियल ऐप है। आपको जस्ट प्ले स्टोर में जाना है, ये नाम टाइप कर देना है ईवो गेम पैड ऐप, या फिर आपको यूज़र मैनुअल के अंदर इसका QR कोड भी मिल जाएगा। तो देख रहे हो गाइस ये है इसका ऐप। तो इस ऐप के अंदर यहाँ पे देख रहे हो गाइस जितनी भी गेम्स आपको देखने को मिल रही है, पहले ये जो गेम्स है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, उसके बाद में ये ऐप में आकर आपको जस्ट गेम यहाँ से लॉन्च कर देनी है। आपको कोई भी सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्री सेट सेटिंग्स के साथ आते हैं जितने भी गेम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप गेम्स भी देख रहे हो, पॉपुलर के अंदर भी इतनी ढेर सारी गेम्स हमें देखने को मिलती है, और न्यू के अंदर यहाँ पे नई नई गेम्स जो ऐड होती रहती है। कैटेगरी वाइज भी आप गेम्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, आर्केड, बोर्ड, कार्ड, बहुत ही ढेर सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो इसके अंदर गेम्स खेलने के लिए हमें यहाँ पे देख रहे हो गाइस ये हमारे गेम पैड के अंदर होम बटन प्रेस करेंगे और एक्स बटन को प्रेस करेंगे तो ये HID मोड में आ चुका है। तो हम जाएंगे हमारे ब्लूटूथ के अंदर, ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देख रहे हो गाइस ईवो गेम पैड प्रो 4 बोलकर बता रहा है, ये बहुत ही इंस्टेंट तरीके से कनेक्ट भी हो चुका है, ये देख रहे हो कनेक्टेड दिखा रहा है। तो वापस चलता हूँ मैं इस ऐप के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर आप जो है PS2 के गेम्स भी खेल सकते हो, इसके अंदर हमें PS2 का एम्यूलेटर भी देखने को मिलता है, ये रहा PSP एम्यूलेटर, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 गेम जो है साइड लोड कर रखे हैं। तो दोस्तों इसे किस तरह से साइड लोड करना है इसके ऊपर मुझे सेपरेट सी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, वो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो सकती है। तो अगर आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दोगे तो मैं वो भी आपको करके बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे PS2 के 2 गेम्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, पहली गेम जो है गॉड ऑफ वार है, दूसरी गेम है यहाँ पे बेन 10। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा बेन 10 का क्लिप भी खेल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसे फटाफट से कंटिन्यू कर देता हूँ गाइस। तो हमारी जो गेम है अभी लोड हो रही है, दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। इस गेम पैड को यूज करके मैं BGMI गेम और फ्री फायर भी गेम खेल के बताने वाला हूं। दोस्तों आपका सबसे फेवरेट कार्टून कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गाइस मेरा तो बेन 10 जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट है यार। दोस्तों बेन 10 के अंदर आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट एलियन कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना।
यार मेरा तो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, सबसे फेवरेट फोर आर्म्स है। तो अभी मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा यार। तो गाइस इस तरह से आप इस गेम पैड को यूज़ करके बेन 10 भी खेल सकते हो, या फिर PS2 के जितने भी गेम्स है साइड लोड करके इस गेम पैड को यूज़ करके खेल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गॉड ऑफ वार भी छोटा सा गेम खेल के बता देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, इसके बाद में मैं BGMI खेलूंगा, उसके बाद फ्री फायर भी आपको खेल के बताता हूँ। तो दोस्तों चलो अभी मैं आपको बताऊंगा इस गेम पैड के अंदर इंस्टेंट प्ले मोड को किस तरह से यूज़ करना है। इसे यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे देख रहे हो होम प्लस ए प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम प्लस ए। तो भाई ये कनेक्ट हो चुका है, तो चलो अभी चलते हैं हम लोग शूटिंग प्लस V3 ऐप के अंदर। ये रहा इसका ऐप। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मैं आपको BGMI गेम खेल के बताने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ यार। तो यहाँ से मैं करूँगा एडिट प्रीसेट, ओके। तो इसके अंदर जो है हमें कोई भी बटन मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग का दही करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा। तो हमारी जो गेम है यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। गेम लॉन्च होने के बाद सिंपली आपको देख रहे हो PUBG या फिर BGMI आप गेम खेल रहे हो, तो आपको होम प्लस डी पैड के अंदर अप वाला बटन प्रेस करना है। जितनी भी प्री सेट सेटिंग्स होती है इसके अंदर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यार होम प्लस अप बटन प्रेस कर दिया है मैंने। तो भाई हमारी गेम भी आ चुकी है यहाँ पर। तो इंस्टेंटली मैं आपको एक छोटी सी गेम भी खेल के बता देता हूँ गाइस। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने जैसे ही होम प्लस ए बटन प्रेस किया है, आप यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे जितने भी प्री सेटिंग्स होते हैं इसके अंदर लोड होके मुझे मिल चुके हैं। तो अगर मान लो मेरे को भी दूसरा कोई बटन इसके अंदर सेट करना है, पे आपको V3 का एक लोगो दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने इसे जैसे ही प्रेस किया है यहाँ पे सारे जो बटन है वापस से आ चुके हैं। मेरे को जस्ट कोई भी बटन पकड़ना है, जिस बटन के ऊपर चाहूँ मैं वहाँ पर ड्रैग करके इस बटन को रख भी सकता हूँ। तो देख रहे हो गाइस इस तरह से ड्रैग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे बटन सेट कर लिए हैं, अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ से। तो भाई ये सारे बटन जो अभी सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। तो भी यहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग मोड के अंदर थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके बताता हूँ। तो भाई गेम पैड के अंदर आपको गेम जो है परफेक्ट खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो अभी मुझे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है गाइस, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मोड के अंदर सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हो कहीं पे भी थोड़ा भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, हर एक जो बटन है काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम भी कर रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पे प्रोन कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, हर एक चीज़ देख रहे हो गाइस काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम कर रही है यहाँ पर। तो दोस्तों इस गेम पैड के अंदर मेरे को इसकी सबसे अच्छी चीज़ इसकी कनेक्टिविटी लगी, जस्ट आपको प्लग एंड प्ले करना है और कोई भी गेम खेलना है तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको फ्री फायर भी खेल के बता देता हूँ। तो भाई हमारी गेम जो है यहाँ पे देख रहे हो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। तो इसके अंदर जो भी हम सीधा चलते हैं ट्रेनिंग मोड के अंदर। तो इसके अंदर जो भी प्रीसेट्स हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए हम प्रेस करेंगे होम प्लस डी पैड के अंदर लेफ्ट वाला बटन। तो भाई मैंने प्रेस कर दिया है, इसके अंदर जो भी प्रीसेट्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर मान लो आपको कोई भी बटन वगैरह काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे जो V3 सिंबल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जस्ट टैप कर देना है। यहाँ से आपको जो भी बटन सेट करना है आप यहाँ से देख रहे हो बड़ी आसान तरीके से सेट कर सकते हो, जस्ट इसे थोड़ा सा ड्रैग वगैरह कर देना है यार, जो आइकॉन पर आप लगाना चाहते हो उस आइकॉन पर लगा देना है और इसे सेव कर देना है। तो वही सारे के सारे जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर सेव हो चुके हैं। तो अभी सारे बटन्स मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ गाइस जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो मैं आपको गन्स भी स्वैप करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हो बड़ी इजी तरीके से गन्स वगैरह स्वैप कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको शूट भी करके दिखा देता हूँ, ये जूम भी कर रहा है बड़ी आसान तरीके से। काफी अच्छी तरीके से सभी बटन्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसके अंदर फ्री फायर गेम भी बड़ी आसान तरीके से खेल सकते हो। तो दोस्तों ये जो गेम पैड है मेरे को एकदम मस्त जबरदस्त लगा। तो जहाँ तक बात करूँगा इसमें इस गेम पैड की क्वालिटी की आप खुद देख रहे हो एकदम प्रीमियम दिखाई देता है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है इस गेम पैड को बनाने के लिए। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मोबाइल गेमर हो, अगर आप गेमिंग अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो गेम पैड के अंदर, आपके पास इस तरह का एक गेम पैड होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास अभी तक जितने भी गेम पैड्स मैंने खरीदे हैं उन सारे के सारे गेम पैड्स में से ये जो गेम पैड है मेरा आज से सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम पैड बन चुका है। दोस्तों अगर आप इस गेम पैड को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस गेम पैड को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों जैसे आप सभी को पता ही होगा मेरा एक और चैनल है चटपट गैजेट्स टीवी के नाम से, तो उस चैनल पर मैंने इन्फिनिटी ग्लाइड 120 वायरलेस ईयरफोन्स की वीडियो डाल दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर ज़रूर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार ईयरफोन्स लगे थे मेरे को ये और काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में भी मिल रहे हैं गाइस। तो दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आ जाता है अंकित घोष, एस के अनवर, सार्थक, गौतम, गुरुचरण, अनिक सरकार, असगर शेख, ध्रुविन जजोरिया,
तृप्ति श्रॉफ, एकांश, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गेम पैड्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।